हाय दोस्तों, आज मैं मसाज कराने जा रहा हूँ जो कि एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ मसाज है और जिसको चाइनीज़ में कपिंग मसाज कहते हैं। और मेरे साथ आज सागर भाव है अपने, जो कि पिछले 5 साल से बीजिंग में काम कर रहे हैं। नहीं तो ये आपको 4 साल से शंघाई में हो, 1 साल बीजिंग में, पहले 1 साल से बीजिंग में। तो ये आपको आज बताएंगे कि कपिंग थेरेपी कैसा होता है। ये जो कपिंग थेरेपी है एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ मसाज है। इसका ओरिजिन चीन में नहीं है बल्कि ईरान में भी है इसका ओरिजिन, ऐसा कहा जाता है, लेकिन श्योर नहीं है कहाँ पर ओरिजिन है। और ये मसाज में क्या होता है, आपका एक जो बाउल रहता है उसका इस्तेमाल होता है, कांच का बाउल, और उसको अंदर आप आग लगा के उसको वैक्यूम बना के आपके पीठ पे लगाया जाता है, जिससे आपका एक सक्शन क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, और उससे आपका ब्लड फ्लो एक जगह पे जम जाता है। तो इसका इफ़ेक्ट, इसका बेनिफिट क्या है आप सोचते रहेंगे। तो इसका बेनिफिट है पीठ का दर्द होता है उन जिनके लिए, या फिर मसल स्टिफनेस होती है, या फिर इनडाइजेशन होता है, तो इन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मसाज है ये। तो मतलब ये एक टाइप का एक ये वैक्यूम मसाज ही बोल सकते हैं इसको, अगर क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं ना। हाँ, तो ये आप देखोगे आपको समझ जाएगा क्या है। अच्छा, तो आप ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आपको आज इस वीडियो में कुछ नया देखने को मिलेगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा, और हमारे साथ भाव है जो आपको बताएंगे मसाज में कैसा होता है, क्या होता है। चलो फिर चलते हैं भाव के स्टूडियो जहाँ पे भाव काम करते हैं। साइकिल भारी पार्क होगी ना? हाँ, साइकिल पार्क है ना? नहीं नहीं, पक्का नहीं, बोलो अलाउ नहीं करेंगे। अरे कोई बात नहीं। और ये अपने भाई का इलाका आ गया, भाव का अपना। देखो भाव ने मास्क नहीं पहना, मैंने मास्क पहना है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भाव को सब जानते हैं। क्या बोलते हो? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मास्क पहनना पड़ेगा। अरे यार ऐसा मत करो यार, ऐसा मत नहीं यार। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हमें पहचानते हैं और मैं यहाँ पे हर रोज आता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब इनका यहाँ पे डंका बजता है। बाहर के कोई आते हैं तो उनको फिर चेक होता है, उनका हेल्थ कोड चेक होता है, टेम्परेचर चेक होता है, जैसे अभी तो बहुत कम हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये अपने भाई अपने को पानी पिला रहे हैं। रहता है कौन सा पानी? ये इसमें फूल डाला हुआ है। हाँ, और इसको गोजी बेरी कहते हैं, एक मलूका जैसा है, ऑरेंज कलर का, गोजी बेरी कहते हैं उसको। और यहाँ पे रोज है, पूरा आपका चल है। चलो निहाओ 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 निहाओ।方老师，哎，好嘞，你现在今天就把上衣脱了。OK 啊。然后就你今天就做一个推油，然后做一个拔罐。啊，对。还是做什么项目？就是很简单的。我来说。ये बाउल से यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, और ये कॉटन्स हैं जो स्पिरिट में भिगोए हुए हैं। अब इसका प्रोसेस देखेंगे क्या होता है। दर्द होएगा उसमें? पंग मांग। ये थोड़ा सा ऑयल देखे, बैक मसाज है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। स्पाइन खींच रही है ना अच्छी तरह से? और क्या, अच्छा है, बॉडी रिलैक्स हो रही है। मेरा बॉडी लाल हुआ क्या? हाँ, हो गया पूरा, दिखा किया मैंने, कहीं मैसेज मैसेज दिखे, हल्का फुल्का दर्द भी हो रहा है, लेकिन क्या करें भाई, करना पड़ेगा। अभी 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 मसाज खत्म हुआ है, करीबन आधा घंटा 30 मिनट तक मसाज किया, और अभी जो कपिंग थेरेपी है वो करेंगे। तो नितिन, आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है मसाज के बाद? अरे थोड़ा बहुत रिलैक्स हुआ, लेकिन बहुत पहले स्टार्टिंग में दर्द हुआ, क्योंकि इसने बहुत हार्ड हो गया। ठीक है, कोई भी देखिए ऐसा होता है, ये
它可以拔拔轻一点，可以拔重一点。没关系，它可以很舒服嘛。कैसा महसूस हो रहा है नितिन? मजा आ रहा है अभी इसमें? पूरा पूरा स्किन खींच रहा है, पूरा स्किन खींच रहा है। अब इसमें पूरा खींचता है। ऐसा लग रहा है। वैक्यूम क्रिएट होता है ना? हाँ हाँ। तो इससे पेन रिलीफ भी होता है, बैक पेन, लेग पेन, मसल स्टिफनेस, वो सबसे राहत मिलती है। तो इसका रेट कितना है उसका? किसका? इसका रेट बांग वन का? ये मैं देखा तो 58 RMB था। कितने घंटे का? आधा घंटा था। देखिए यहाँ पर जो वैक्यूम होने के बाद यहाँ पर स्टीम दिख रही है आपको, वेपर जमा होता है और यहाँ प्रोसेस में नहीं है जो पीठ पे लगे हुए हैं, तो उनका कहना है कि जहाँ पर ये स्टीम कलेक्ट होती है वो जगह आपकी सेंसिटिव या फिर वो थोड़ा वीक जगह है, वीक स्पॉट्स बॉडी के। बैक पे कोई कुछ दिक्कत नहीं है इनके, साइड में है देखिए यहाँ पर, तो ऐसा है सब। तो करीबन हम यहाँ पर 10 मिनट तक देखेंगे कैसा रहता है, 10 से 15 मिनट भी हो सकते हैं कभी कभी। नितिन कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। और आप रात को पीठ पर सोते दर्द होगा? ओह माय गॉड, मतलब थोड़ा सेंसिटिव होगा ना स्किन, अभी थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। अब कई दिन तेरे को एटलीस्ट एक डेढ़ एक दो घंटा नहाना नहीं है, अगर नहाएगा नहाने का प्लान रहेगा तो। मैं नहाऊंगा नहीं, मैं सुबह नहाऊंगा। और अब कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस हो रहा है नितिन भाई? एक्साइटमेंट था, अब जो पता चला कि ऐसा होता है, मेरा फर्स्ट टाइम था ये, मैंने अभी तक 3 साल में नहीं करवाया था मैंने ये। फर्स्ट टाइम कैसे हो गया? हाँ, फर्स्ट टाइम कैसे हो गया? स्टार्टिंग में जरा पेन हुआ, जब ये ने मसाज किया ना उसने तो पेन हुआ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसके बाद जब उसने लगाया थोड़ा बहुत ये पड़ा, अच्छा लगा, मजा आया एकदम, पसीना भी आ रहा है, मजा भी आया, पसीना भी आ जाएगा, बराबर है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्या बोलते हो? ठीक बोला मैंने, भले चाहे आपको मजा आए या ना आए, लेकिन हर चीज का एक्सपीरियंस लो ताकि आपको फ्यूचर पता चले कैसा था कैसा नहीं था। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद और बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद बाय बाय, तब तक के धन्यवाद।